स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन सीरीज के पार्ट 19 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन. पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन. यानी कि अगर पॉलिनेशन होगा तो ये गारंटी नहीं है कि जो पॉलन का ट्रांसफर हुआ है वो राइट टाइप का है, यानी कि वो सही पॉलन ग्रेन है जो सही जगह पर लैंड करेगा. ऑफन पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम अदर स्पीसीज और फ्रॉम द सेम प्लांट ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा. हो सकता है कि जो पॉलन लैंड किया है वो दूसरी स्पीसीज का है या सेम स्पीसीज का है और इट इज़ सेल्फ इनकम्पैटिबल. मतलब हमें सेम प्लांट से करवाना ही नहीं है पॉलिनेशन. दोनों केसेस में दोनों पॉसिबिलिटी हैं कि रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन हो जो लैंड कर जाए स्टिग्मा पे. द पिस्टल हैज़ द एबिलिटी टू रिकोगनाइज द पॉलन वेदर इट इज़ ऑफ द राइट टाइप और ऑफ द रॉन्ग टाइप. तो जो पिस्टल होता है ना, उसकी ये एबिलिटी होती है कि वो पॉलन को रिकोगनाइज कर लेता है कि वो सही टाइप का पॉलन है या गलत टाइप का. वेदर इट इज़ द राइट टाइप यानी कंपैटिबल या रॉन्ग टाइप दैट इज़ इनकम्पैटिबल. दो वर्ड यूज हुए हैं, कंपैटिबल एंड इनकम्पैटिबल. इफ इट इज़ ऑफ द राइट टाइप द पिस्टल एक्सेप्ट द पॉलन एंड प्रमोट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स. अब देखो दो चीज़ें हैं. अगर राइट टाइप का पॉलन है तो क्या होगा, पिस्टल उस पॉलन को एक्सेप्ट करेगा और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट यानी कि जो पॉलिनेशन के बाद इवेंट होते हैं उनको एनकरेज करेगा. दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होगा. इफ द पॉलन इज ऑफ द रॉन्ग टाइप, बट अगर पॉलन रॉन्ग टाइप का है, सही टाइप का पॉलन ग्रेन नहीं है, तो पिस्टल क्या करता है, वो उस पॉलन को एक्सेप्ट नहीं करता, वो रिजेक्ट कर देता है पॉलन को. कैसे, पॉलन जर्मिनेशन को प्रिवेंट करके. यानी पॉलन जर्मिनेशन नहीं होने देता स्टिग्मा पे या फिर पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होने देता. The ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between pollen grain and the pistil. ये जो interaction होता है, यानी कि pistil की जो ये ability होती है कि वो pollen को recognize करता है, उसको accept करता है या reject करता है, ये कैसे हुआ है, बार बार pollen grain और pistil के interaction की वजह से ये possible हो पाया है. This dialogue is mediated by chemical component of the pollen interacting with those of the pistil. और ये जो आपस में इसके बीच में कोई भी चीज़ possible हो पाई है pollen pistil interaction से, वो कैसे हो पाती है, जो chemical component होते हैं pollen के उसकी वजह से. It is only in recent year that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interaction leading to the recognition followed by acceptance or rejection. यानी कि कुछ ही सालों में ये हुआ है कि बॉटनिस्ट ने समझा है कि किस तरह से पॉलन और पिस्टल कंपोनेंट एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, उसकी वजह से आगे के जो स्टेप्स होते हैं वो हो पाते हैं. एज मेंशन अर्लियर फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पॉलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर. अब जैसे हमने पहले मेंशन किया कंपैटिबल पॉलिनेशन के बाद, ठीक है, एज मेंशन अर्लियर फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा. अब पता चल गया कि भाई सही टाइप का पॉलन ग्रेन है, ठीक है, स्टिग्मा ने आइडेंटिफाई कर लिया. तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा पे ताकि क्या प्रोड्यूस करे, एक पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस करे, किसमें से, एक जर्म पोर में से, थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर. 12 पॉइंट यहाँ पे ए दे रखा है, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो, क्लियर नहीं है. पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर रहा है स्टिग्मा पे, ये चीज शो हुई है, ठीक है. तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जर्मिनेट करता है ताकि पॉलन ट्यूब बन जाए उसके जर्म पोर से. द कंटेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव इन टू द पॉलन ट्यूब. जो पॉलन ग्रेन का कंटेंट है वो पॉलन ट्यूब में मूव कर जाता है. पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेज द ओवरी. उसके बाद क्या होता है, पॉलन ट्यूब टिश्यूज में से ग्रो करती है, टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा, मतलब पॉलन ट्यूब स्टिग्मा के टिश्यूज से ग्रो करती करती ओवरी तक पहुंचती है. बी और सी में दिखाया गया, एक बार देख लेते हैं. ये ग्रो कर रही है, उसके बाद आप देखो यहाँ पे ये पॉलन ट्यूब ग्रो करके ऊपर हुआ था लैंड पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब ग्रो करके यहाँ से यहाँ ये यहाँ पहुंच गई. अगर आपको क्लियर नहीं है तो दिखा देती हूँ, यहाँ से ग्रो करके, ब्लू कलर से दिखा दी ताकि ज़्यादा क्लियर हो, ये यहाँ से ग्रो करके ऐसे करके यहाँ पहुँच गई. तो आपने देखा ये ग्रोथ दिखाई है और वो दिखाया कि किस तरह वो पहुँची है, ठीक है.
यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट्स पॉलन ग्रेन आर शेड एट टू सेल्ड कंडीशन. आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स के अंदर पॉलन ग्रेन गिरता है कब, टू सेल्ड कंडीशन पे. टू सेल्ड कंडीशन हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में, इसके पहले के पार्ट्स में. एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक जनरेटिव सेल होता है, उसको हम बोलते हैं टू सेल्ड कंडीशन. तो पॉलन ग्रेन यहाँ पे टू सेल्ड कंडीशन पे गिर जाता है. इन सच प्लांट्स द जनरेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म द टू मेल गैमेट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा. ऐसे टाइम पे क्या होता है, जो जनरेटिव सेल होता है, दो सेल हैं ऑलरेडी, एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल है. तो यहाँ पे जनरेटिव सेल डिवाइड होके दो मेल गैमेट बनाता है और उसकी वजह से पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है. ठीक है. इन प्लांट्स विच शेड पॉलन इन द थ्री सेल्ड कंडीशन, यानी कि हमने ये भी पढ़ा था कि एक तो टू सेल्ड कंडीशन है, एक थ्री सेल्ड कंडीशन होती है. वहाँ पे पॉलन ट्यूब्स कैरी द टू मेल गैमेट फ्रॉम द बिगनिंग. यहाँ पे क्या होता है, पॉलन ट्यूब स्टार्टिंग से ही दो मेल गैमेट को कैरी करके लेके जाती है. पॉलन ट्यूब शुरू से ही दो गैमेट्स को लेके जाती है और आफ्टर रीचिंग द ओवरी, जब जैसे ही वो ओवरी पे पहुंचती है, एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल. जो ओव्यूल होता है वो, मतलब जो ये पॉलन ट्यूब होती है वो ओव्यूल में एंटर करती है माइक्रोपाइल के थ्रू, और उसके बाद वो एक सिनर्गिड में पहुंचती है थ्रू द फिलिफॉर्म अपैरेटस. रीसेंट की स्टडीज से पता चला है कि जो फिलिफॉर्म अपैरेटस है, जो माइक्रोपाइलर पार्ट में होता है, वो क्या करता है, पॉलन ट्यूब में एंट्री पॉसिबल करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉलन एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, मतलब सॉरी उल्टा बोल गई, फिलिफॉर्म अपैरेटस की वजह से जो पॉलन ट्यूब की एंट्री है वो गाइडेड होती है और स्मूथली पॉसिबली हो पाती है. ऑल दीज इवेंट फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा. इसको मैं दूसरे कलर से पढ़ा देती हूँ. यानी कि सारे के सारे इवेंट, चाहे वो पॉलन का स्टिग्मा पे लैंड करना हो, उसके बाद पॉलन ट्यूब का ओव्यूल में एंटर करना हो, उन सबको हम मिला के क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन. टुगेदर वी कॉल इट पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन. एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन इज अ डायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पॉलन रिकोगनाइजेशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ द पॉलन. अब जैसे बताया गया है कि जो ये पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, पॉलन को रिकोगनाइज किया जाता है और उसके बाद प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ द पॉलन, मतलब कि अगर पॉलन सही रिकोगनाइज हुआ है कि सही पॉलन ग्रेन है, तो या तो प्रमोट करते हैं उसकी ग्रोथ को, और पता चला है कि सही पॉलन नहीं है तो इनहिबिट करते हैं उसकी ग्रोथ को. द नॉलेज गेन्ड इन दीज एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर इन मैनिपुलेटिंग पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन इवन इन इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड. एक और चीज़ है, इसको समझा देती हूँ, बहुत ईजी है. यहाँ पे लिखा है कि जो नॉलेज आती है ये प्लांट ब्रीडर्स को इस एरिया में वर्क करके, अगर इस एरिया में हमें नॉलेज हो जाए तो जो प्लांट ब्रीडर्स होंगे इजीली क्या कर सकते हैं, वो मैनिपुलेट कर सकते हैं पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन को. क्या पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन जो होता है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, और इवन जो इनकॉम्पैटिबल पॉलिनेटर्स होते हैं उनके अंदर भी, मतलब फॉर एग्जाम्पल वो सही पॉलन पिस्टल नहीं है, बट अगर इस फील्ड में नॉलेज है तो वो उनकी भी पॉलिनेशन करवा के एक नई तरह की हाइब्रिड निकलवाने में हेल्प कर सकते हैं. ठीक है. तो ये हमारा पार्ट था. अभी इसके नेक्स्ट पार्ट में वी विल स्टडी अबाउट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इमास्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक. बट इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोगों ने देखा अबाउट द पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन. तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा. इस सीरीज़ के सारे पार्ट देखने के लिए नीचे मैं सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक डालूंगी, जहाँ पे आपको सारे पार्ट रिप्रोडक्शन सीरीज़ के मिल जाएंगे. उसके अलावा 11th और 12th की बायोलॉजी देखने के लिए या उसकी बायोलॉजी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट या होम पेज पे जाइए, वहां पे आपको बायोलॉजी सेक्शन के अंदर सारी प्लेलिस्ट और वीडियोस मिल जाएंगी. थैंक यू सो मच.